गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई एम दीपक कुमार भोला, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। सर, आई एम नीरज चास्टा, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम गुरुनिधि स्टार्ट करेंगे। गुरुनिधि में टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। कुछ इसके शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते हो काफी अच्छा पार्ट है, ठीक है? और मेडिकल में इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? और काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे, ठीक है? चलो इसी को अपन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे अपन देखें, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अभी ठोस चालक बैंड 0 केल्विन पर आंशिक भरा होता है, ठोस पदार्थ होगा, मींस कंडक्शन बैंड इज इन अ सॉलिड इज पार्शियली फिल्ड एट 0 केल्विन, सॉलिड सैंपल इज। अब देखो 0 केल्विन पर ये पार्शियली फिल्ड है, 0 केल्विन पे पार्शियली फिल्ड है, ठीक है? अपन जानते हो अगर कोई सेमीकंडक्टर हो तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसमें कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, ठीक है? तो इसलिए कंडक्टर हो नहीं सकता है, ठीक है? तो डेफिनेटली कौन सा होगा? तो सेमीकंडक्टर, ठीक है? सेमीकंडक्टर में तो क्या होता है, 0 केल्विन पे एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा है कंडक्टर। कंडक्टर में ही हम जानते हैं 0 केल्विन पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्शन बैंड में, सही बात सर? बिल्कुल सर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्डिंग इन ए जर्मेनियम क्रिस्टल सेमीकंडक्टर इज। सर बताइए, आप डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो अपने सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे, सहसंयोजी बंध रहेंगे, ठीक है? ये सीधा सीधा आप लोग को याद रखना है। जर्मेनियम, वैसे ये केमिस्ट्री की बातें हैं, बट फिर भी हम लोग अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो जर्मेनियम क्रिस्टल में जो रहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे, सहसंयोजी बंध रहेंगे। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं सर। ओके बेटा, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विद, ठीक है? हमें कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन करना है तो उसमें कौन सी इंप्योरिटी मिक्स करेंगे? तो सर देखिए, पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें, पी टाइप में देखिए क्या करते हैं सर अपन? देखें, अगर अपन SI हमारे पास है और जर्मेनियम ये है, दोनों एक ही कॉलम में रहते हैं, ठीक है? अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसके इधर वाले कॉलम में जो भी आ रहे हैं उनको अगर अपन फिल करेंगे तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर इसके इधर वाले जो भी आ रहे हैं उनको अगर अपन डोपिंग करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इसके लिए अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके इधर आएगा फास्फोरस, यहाँ पर रहेगा आर्सेनिक और यहाँ पर रहेगा Sb। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और रहेगा हमारे पास इंडियम। मतलब सर, इनमें से ये कहना चाहते हैं कि मतलब इनकी से इनकी पावर इसकी वैलेंसी 4 है, हाँ। अगर अपन 3 वैलेंसी वालों मिक्स करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और अगर अपन एन टाइप ये पेंटावेलेंट को मिक्स करेंगे तो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। आप इसको याद भी रख सकते हैं, PASSB पास Sb और बिगिन एयर, BGAIN एयर, ठीक है? तो ये इनमें से आप लोग को चूज करना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करना है हम लोग को, इधर एल्यूमिनियम मिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चा कौन सा बताया आपने सर, ये बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए पीस ऑफ ए मेटल शार्पली डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर द मेटल मटेरियल ऑफ पीस इज। मैं आपसे कह रहा हूं किसी पदार्थ के टुकड़े का टेंपरेचर अपन बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है, मतलब अपन यहां पे टेंपरेचर बढ़ाने पर देखिए रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो वो किस चीज का बना हुआ है, ठीक है? आप देखो, जो टेंपरेचर अपन बढ़ाएं अपन बात करते हैं पहले किसी कंडक्टर की, जो कि आप पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कंडक्टर में अगर अपन टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है? बट सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जहां पे टेंपरेचर अपन इंक्रीज करें तो उसमें नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं तो उससे उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मींस रेजिस्टिविटी मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो कौन सा मटेरियल होगा सर, वो कौन सा होना चाहिए? सेमीकंडक्टर, टेंपरेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा सर, सेमीकंडक्टर जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। इसमें फर्स्ट क्या है, एन टाइप जर्मेनियम इज नेगेटिवली चार्ज एंड पी टाइप जर्मेनियम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा देखिए, यहाँ पे कोई भी सेमीकंडक्टर हो, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप, ठीक है? उसमें हम जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे हम उसमें पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने उसके अंदर एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट होंगे उतने ही उसमें स्टैटिक नेगेटिव आयंस भी होते हैं। ऐसे अगर उसमें हम एन टाइप इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं तो जितने उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उतने ही उसमें स्टैटिक पॉजिटिव आयंस भी होंगे, ठीक है? तो इंप्योरिटी मिक्स करने पर, तो सही कह रहा हूं सर मैं, इंप्योरिटी मिक्स करने पर उसमें हम देख रहे हैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा,
एक्स्ट्रा कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, तो सोचने में लगता है एक बार देखने में एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस नेगेटिव चार्ज होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मींस पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चार्ज उस पर हमेशा न्यूट्रल ही रहता है ना सर, ये केवल इंप्योरिटीज के लिए है कि एन और पी का मतलब नेगेटिव कैरियर्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है और P का मतलब पॉजिटिव या होल्स कैरियर्स हैं। अगर आप क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि क्रिस्टल जो बना हुआ है N का क्रिस्टल या P का क्रिस्टल है तो वो अपना कोई चार्ज बिहेवियर शो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, जैसा कि सर ने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से चार्ज बैलेंस हो रहा है। तो कौन सा दिक्कत है सर इसमें, जैसे कि दोनों उदासीन रहेंगे, दोनों उदासीन होंगे, बोथ आर न्यूट्रल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट NP and NE be the neutral number of holes and free electrons respectively in a semiconductor, then मतलब अर्धचालक में होल एंड मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्रमशः NP and NE है, तो उसके बारे में क्या होगा, देखिए सर, देखिए अगर अपन यहाँ पर देखें, अगर आपके पास NP और NE दोनों बराबर है, कहने का मतलब ये और ये दोनों NI के बराबर है, यानी कि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहेगा, नैज अर्धचालक रहेगा। अगर हमारे पास अगर आपके पास होल कंसंट्रेशन NP इज ग्रेटर देन हमारे पास NE है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से होल कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी क्रिस्टल में होल ज्यादा है तो पॉजिटिव ज्यादा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, P टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और उसी जगह पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से या होल कंसंट्रेशन से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, N टाइप हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में है क्योंकि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, NP इक्वल्स टू NE, ये क्या होना है, इंट्रिंसिक रहना है, तो ये तो एक्सट्रिंसिक बोला हुआ है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, एक्सट्रिंसिक का मतलब ये बाय ये बोल दिया, प्योर सिंपल बात, हां NP इक्वल्स टू NE इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बात कर रहे हैं अपन, NP इक्वल्स टू NE इक्वल्स टू NI, ये हमारे पास नैज रहेगा, नैज को अपन इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स ही कर रही है अपन जो नेचुरली अवेलेबल है, ओके ओके, तो हम टिक कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल सर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, चलो और इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है, फर्स्ट में कहा द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर, ठीक है, सही बात है, अगर सही बात है, ये अभी सेमीकंडक्टर उसमें भी आप सबसे ज्यादा टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीमेंट इन टेंपरेचर, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, एक मिनट सर, वो यस पिछला जो है वो फॉल्स पूछा था शायद इसने, ओके फॉल्स पूछा है, ओके सॉरी सर, फॉल्स की बात कर रहा है, तो उसमें तो इंप्योरिटी हमने एन टाइप वाली मिस इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी कैरियर मिक्स किया था, तो उसमें तो कौन सा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स, तो एन टाइप में तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बिल्कुल, तो इसलिए तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, यानी कि आपका आंसर ये है क्वेश्चन का, ठीक है, और फोर्थ में क्या, पी टाइप मींस मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन, सही बात है, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, तो इसका मतलब, और थर्ड ऑप्शन यहां पे रॉन्ग है, तो ये तो हमें रॉन्ग पूछा गया था, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सर, आप देखिए, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, एट रूम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, कमरे के ताप पर अगर आप कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम के में अपने पास संयोज्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार है तब इनमें से कौन सा कथन सबसे सही होगा। अब हम अगर अपन कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो अपने पास जो सिक्वेंस रहा हुआ है कार्बन सिलिकॉन, अगर अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जर्मेनियम रहता है, ये दोनों सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि आपके पास इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर हैं। जब अपन कार्बन की बात करें तो आपके पास इसमें जो चार इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास में रहते हैं और उसमें आपके पास अट्रैक्शन जो रहेगा न्यूक्लियस का वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी वजह से कार्बन जो है वो इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करता है और इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराना इजी है कंपैरेटिव टू कार्बन। उसका मतलब यह है कि हमारे पास
सफिशियंटली अगर अपन रूम टेम्परेचर पर बात करें तो एस आई और जी में आपके पास कंडक्शन बैंड में सफिशियंट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बट कार्बन की बात करें तो ये एक इंसुलेटर है और इसके पास इतने कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपन फॉरवर्ड एनर्जी गैप से समझ सकते हैं। हां, फॉरवर्ड जब अपन जानते हैं जर्मेनियम एंड सिलिका में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये कार्बन में फॉरवर्ड एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। ऐसे इंसुलेटिंग तरह बिहेव कर रहा होता है एज ए रूम एट ए रूम टेंपरेचर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रेंज जो रहती है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो उसमें कौन सा सेटिंग कर सकते हैं अपन इसमें? सी, द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्निफिकेंटली सी स्मॉल इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, ये तो रहूंगा सी में तो पर्याप्त है ही नहीं। ठीक है, इसमें द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नेगलिजिबल इन थ्री, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इज इन ऑल थ्री, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड यस, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सी। ठीक है, तो इसमें कार्बन में आपके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत कम रहेंगे क्योंकि रूम टेंपरेचर पे इसमें सफिशिएंट एनर्जी मिल नहीं पाती इलेक्ट्रॉन पर पहुंच पाए। ठीक है, बिल्कुल, इसमें फोर्थ ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सेमीकंडक्टर मटेरियल हैविंग फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन इज। ठीक है, शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन की अपेक्षा किस अर्धचालक में अल्प मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मीन्स आप मायोटिक केयर्स की बात करें किसमें इलेक्ट्रॉन्स मायोट नंबर में होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया था सर ने थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी किया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मायोटिक केयर्स कौन होते हैं? बहुसंख्यक कौन होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे? एन टाइप में। तो हमसे पूछा अल्प मतलब मायोरिटी कैरियर्स के बारे में पूछा है, मायोरिटी कैरियर्स, तो इलेक्ट्रॉन मायोरिटी कैरियर किसमें होंगे सर? पी में होंगे, पी टाइप में, पी टाइप होने चाहिए। ओके, इसको ठीक है, इसको हम लोग अगर ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास अगर अपने पास सिलिकॉन क्रिस्टल है, केवल एक इंट्रिंसिक एसआई क्रिस्टल है, और इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या रहेंगे? नंबर ऑफ होल्स बराबर रहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर में अगर अपन ट्राइवेलेंट इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पर होल्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। होल्स बढ़ जाएंगे तो ये होल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ट्राइवेलेंट जब अपन ने इसमें इंप्यूरिटी पुट किया है, तो होल्स बढ़ने में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन होल्स में क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। और कुछ अब आपके पास जो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उन इलेक्ट्रॉन्स से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन हो चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। कहने का मतलब अगर आपके पास आप अगर ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं या आप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? कम रहेंगे। ठीक है, तो पी टाइप इसका हमारा कंक्लूजन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगे नेक्स्ट वो 10th क्वेश्चन। ओके, अ सेमीकंडक्टर डॉप विद डोनर इंप्योरिटी इज, मींस डोनर मींस कोई भी हम इसमें ऐसी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा जो करंट कैरियर मिल रहे हैं वो डोनर टाइप के, मींस इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर हमें एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, तो एक्स्ट्रा करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें आपको इंप्योरिटी ऐड करते हैं एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी ऐड करते हैं, यहां पे इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं डोनर टाइप की। तो डोनर टाइप का मतलब ये है कि वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्स्ट्रा डोनेट कर रहा है। ठीक है, डोनेट है, एक्सेप्टर का मतलब क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो डोनर का मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एन टाइप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है तीनों का सेम ही होता है फॉर एंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच, देयर बैंड स्ट्रक्चर लीड्स टू द एनर्जी गैप इज। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था एनर्जी गैप के बारे में, कार्बन एक इंसुलेटर है ना सर, कार्बन एक इंसुलेटर से बिहेव करता है। ठीक है, जैसे डायमंड की बात करें, डायमंड के लिए नियरली 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यहां पे एनर्जी गैप। ठीक है, सिलिकॉन के लिए लगभग 1.1 अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, एंड जर्मेनियम के लिए 0.7। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट किसके लिए हो रहा है? जर्मेनियम के लिए। यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा जर्मेनियम के लिए स्मॉलेस्ट? अपन देखेंगे जर्मेनियम इज लेस देन सिलिकॉन इज लेस देन कार्बन, सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अपन पिक कर सकते हैं इस पे। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इस पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द एनर्जी बैंड डायग्राम शोन इन फिगर करस्पोंडिंग टू दैट ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप काफी कम होता है, मींस इतना होता है रूम टेम्परेचर पे आराम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आराम से वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ट्रांज कर जाए। ठीक है, तो देखो इसके अंदर तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों ये फील्ड है, पार्शियली फील्ड है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कंडक्टर में होता है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ तो गैप ज्यादा है, गैप अवेलेबल है जो कि ऐसा एक्चुअली मैटर में होता ही नहीं। इसमें ये जो मुद्दा है ये अपने पहले क्वेश्चन से रिलेटेड मुद्दा है। ये जो डायग्राम अगर अपन बात करें
तो ये जीरो केल्विन की बात हुई है। ओके, जीरो केल्विन पर, जीरो केल्विन पर हमारे पास ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, और कंडक्शन बैंड में भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन से। देखिए तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो चुका है अपना कंडक्टर। जीरो केल्विन पर कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है, पहला क्वेश्चन जो भी अपन ने सॉल्व किया, ये कंडक्टर हो गया। ये आपके पास ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग का मतलब ये क्या हो चुका है, कंडक्टर। ये भी ये रूम टेम्परेचर बात कर रहा है, ये भले ही रूम टेम्परेचर हो, भले ही आपके पास जीरो केल्विन हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमारे पास जो ये बैंड गैप है, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन केटी। ठीक है, ये फील्ड है बट दिस बैंड गैप इज वेरी लार्ज। ये इसमें इसने वेरी लार्ज एनर्जी गैप है, तो ये एक तरह से इंसुलेटर इंसुलेटर शो कर रहा है। ठीक है, इंसुलेटर शो कर रहा है, काफी ज्यादा एनर्जी गैप है। और यहां पे और यहां पर जो एनर्जी गैप है वो केटी के इक्वल है। ये कंप्लीटली फील्ड है जीरो केल्विन पर, और जीरो केल्विन पर ये कंप्लीटली एम्प्टी है, तो ये रहेगा आपका सेमीकंडक्टर। क्योंकि यहां पे बच्चों अपन k into t की वैल्यू को फाइंड करते हैं, नियर अबाउट k into t की वैल्यू लगभग 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होती है। ठीक है, और अपन जानते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इनमें एनर्जी गैप नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग ही होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहां पे ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक में, यहां पे पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेंपरेचर। गलत बात है, रूम टेंपरेचर पर हम जानते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते ही रहते ही हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इज मोर देन दैट इन कंडक्टर। कंडक्टर से ज्यादा तो होगा ही नहीं, और गलत स्टेटमेंट तो सबसे ज्यादा कंडक्टर सबसे ज्यादा कंडक्टर में होते हैं सर। यहां पे भी क्या, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। जीरो केल्विन पे कोई भी एनर्जी मिल ही नहीं पाती इलेक्ट्रॉन को, कि वहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करे। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड रहेगा और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए पर उसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट जीरो पे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल के सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, जो बहुत हाईली एनर्जी गैप मैक्सिमम किसमें हो सकता है, इंसुलेटर में। जैसे भी आप बताया था इंसुलेटर में एनर्जी गैप नियरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या सोच सकते हैं अपन, इंसुलेटर। ठीक है, थर्ड इंसुलेटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखिए सर, एक होल पर आवेश का मान किसके बराबर होता है, या द चार्ज ऑन होल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। हम लोग ये जानते हैं कि होल पर जो आवेश रहता है वो पॉजिटिव होता है एक, और उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल रहता है। कहने का मतलब प्लस 1.6 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 19, प्लस 1.6 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम जो रहता है, ये किसका चार्ज रहेगा, इसे देखें, ये होल्स का होल्स प्रोटॉन्स के इक्वल रहेगा। वैसे अपन देखें सर, यहां पे होल्स का खाली एक एम्प्टी स्पेस है, जैसे बिहेव कर रहा है ये होल्स। होल एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। एक्चुअली में होल पे कोई चार्ज होता ही नहीं, सही बात तो है। एक्चुअली वो जस्ट इसका बिहेवियर एज ए पॉजिटिव चार्ज देयर बिहेवियर होता है। हां, तो हम कह सकते हैं इसका जो बिहेवियर है एज ए प्रोटॉन, इसका बिहेवियर इधर बिहेव इसका है, मतलब अपन प्रोटॉन कह सकते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें बच्चों। कंडक्शन वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जंप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो जाएगा एंड वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना, फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर टिक कर सकते हैं। ओके, और ये हमारे पास एक डायोड है, इसको फॉरवर्ड बायस में डालने के लिए आपको पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। पी पर अपन को हाई पोटेंशियल अप्लाई, हाई पोटेंशियल अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पी जब पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो अपन देखते हैं ऑप्शंस को, एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव रॉन्ग, फॉरवर्ड बायस में आप एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। पी एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पी एंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो कह रहा है, व्हाट इज करंट थ्रू एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड शोन इन फिगर बिलो। अब यहां पे इसमें डायोड कैसा बोला जाए, आपको आइडियल डायोड बोला गया। ठीक है, तो पहले अपन यहां पे इसमें देखें नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है। थोड़ा देखो, ये दोनों यहां पे अर्थिंग और अर्थिंग है,
अर्थिंग में दोनों पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल दोनों को अपन ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, दोनों पोटेंशियल सेम है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये डायोड, ये आपको डायोड दिख रहा है, डायोड यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपन चेक करें, यहाँ पे 1 वोल्ट पॉजिटिव डाउन साइड में, यहाँ पे पॉजिटिव डाउन साइड में 3 वोल्ट है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कुछ इस तरह से आएगा 2 वोल्ट, 3 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्टेंट 2 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से प्लस एंड माइनस। तो आप देखिए इस वोल्टेज जैसे प्लस इसे पी पे अप्लाई हो रहा है, मींस किस में आ गया सर, डायोड अपना फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में डायोड एफबी में हो गया, ठीक है, और ये इजीली कंडक्ट करेगा, आइडियल डायोड में लगे, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस यहां पे 100 ओम है। अब यहां पे आपको करंट फाइंड करनी है आई, ठीक है, तो आई इजीली अपन फाइंड करते हैं, आई इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, वी अपॉन आर, वी यहां पे 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 100, ठीक है। तो यहां से अपन चेक कर लें कौन सा आंसर आ जाएगा, ये 20 मिली एंपियर, इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो बेटा, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हम देखते हैं ये कितना बन जाएगा, यहां पे 20 मिली एंपियर बन जाएगा रिजल्ट, 20 मिली एंपियर, यहां पे इसको ये 20 कैंसिल, ठीक है, 10 कैंसिल, यहां पे इसमें क्या कर रहे हैं, ओके, हम लोग यहां पर इसको क्या करते हैं एंपियर मतलब 2 अपॉन हमारे पास बन रहा है 100 और एंपियर, ठीक है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10 से लोग, तो 10 से तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 1000 हो जाएगा 20 मिली एंपियर, मिली एंपियर 20 मिली एंपियर, इस तरह अपन डिसाइड कर सकते हैं आंसर इज थर्ड 20 मिली एंपियर, ओके। तो इस तरह से रिजल्ट अपन डिसाइड कर सकते हैं, इसे हम लोग यूं भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहां पर कितना हो जाएगा, ये इसको 0 मान लो, चलो ऐसे हो सकता है, ये भी सही -1 इसको 0 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस से, इधर से इधर अगर अपन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा -1 -3 वोल्टेज डिफरेंस, तो ये हो जाएगा यहां से यहां का वोल्टेज डिफरेंस कितना -1 -3 अपॉन नीचे आर नेट कितना है हमारे पास 100, तो भी यही अपनी इक्वेशन मिल जाएगी। हां सही है, तो देखो ये फायदा मिलता है जब दो टीचर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक से या दो मेथड में तो ये सीधे मिल जाते हैं छोटी कॉन्सेप्ट्स अपन, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन द आउटपुट फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, फुल वेव रेक्टिफायर मींस यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर में जो रेक्टिफायर होता है एक ऐसी डिवाइस है जो यहां पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, बट यहां पे जो आउटपुट मिलता है पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म मिलता है, मींस इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यू वेरी कर रहा है, डायरेक्शन फिक्स होती है करंट की बट इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यू पल्स की फॉर्म में वेरी करता है, और यहां पे हमसे बोला है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर यहां पे क्या एक तरह से पल्सेटिंग डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज, मींस इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा आउटपुट होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में स्टेप्स आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है, तो क्या जाएगा रिजल्ट पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 देखिए सर, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन का जो रहेगा वो पोटेंशियल वेरियस, पीएन संधि का रोधक विभव जो अवक्षय रक्त पे होता है वो किस पर निर्भर करता है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, टाइप पे डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा बिल्कुल, ठीक है, अमाउंट ऑफ डोपिंग, बिल्कुल आप लोगों ने कितनी डोपिंग कर रखी है उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल, और टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि आपके पास टेम्परेचर चेंज हो गया तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो आपके पास एक तरह से डोपिंग ही कंसिडर कर लो कि आपके पास चार्ज कैरियर्स बढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास तीनों पैरामीटर्स करेक्ट हैं, तो वहां पे अपन टिक कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल, और ये भी सही, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, तीनों पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 21, डिप्लेशन लेयर एट अ पीएन जंक्शन कंटेंस, मतलब डिप्लेशन लेयर, बच्चों डिप्लेशन लेयर में क्या होते हैं, कोई मोबाइल कैरियर्स होते ही नहीं है, ठीक है, मींस पीएन जंक्शन का जब फॉर्मेशन करते हैं तो जंक्शन पॉइंट पे बच्चों P टाइप में जो होल्स हैं एंड N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे की तरफ एक तरह से मूव करके आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से वहाँ पे जंक्शन के नियर एक ऐसा स्पेस बन जाता है जहाँ पे कोई मोबाइल कैरियर प्रेजेंट नहीं होते, ओनली स्टैटिक आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर में ओनली क्या होंगे बेटा सर, यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक आयंस रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैटिक आयन, पी की टाइप पी की साइड में हमारे पास नेगेटिव स्टैटिक आयन रहेंगे और एन की टाइप में पॉजिटिव स्टैटिक आयन, ठीक है, तो आप अपन ये टिक कर सकते हैं फोर्थ, ठीक है, और बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल चार्ज, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हिच वन इज फॉरवर्ड बायस, अभी डिस्कस किया है सर ने, डिस्कस किया ही है, फॉरवर्ड बायस में करते हैं हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं पी की तरफ, ठीक है, पी की तरफ हाई पोटेंशियल आ रहा है, यहां पे
ये तो इसमें कोई ये तो पोटेंशियल अप्लाई नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, ये तो कोई नो बायस है, कोई बायसिंग नहीं है। यहां पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पी प्लस कनेक्टेड है, मतलब हाई पोटेंशियल पी अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो हाई पोटेंशियल पी का मींस फॉरवर्ड बायस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये इधर जो है ये रिवर्स, ये तो रिवर्स बायस दिख रहा है, अभी नेगेटिव यहां पी अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सर देखिए, consider the following statements A and B and identify the correct choice of the given answers. इन प्रश्नों पर हमने को विचार करना है और अपने को सही विकल्प के बारे में बात करनी है। The width of depletion layer in PN junction diodes increases in forward bias. हम लोग जानते हैं forward bias में current conduct होती है और width of depletion layer जो है वो decrease कम हो जाती है, decrease हो जाती है, ये statement तो हो गया अपना गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉरबिडन गैप। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, हमारे पास बिल्कुल है, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है ठीक बीच में होता है, बीच में रहता है फर्मी एनर्जी लेवल। ये अपने पास क्या रहेगा, वैलेंस बैंड रहेगा, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड रहेगा, और हमारे पास क्योंकि इधर आपके पास नंबर ऑफ होल्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही, तो इधर नंबर ऑफ होल्स और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो ई एफ एकदम बीच में रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो चुका है, करेक्ट। ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट। तो सेकंड इज ए इज फॉल्स एंड बी इज फॉल्स एंड बी इज, ठीक है। तो इस तरह से अपन डिसाइड कर सकते हैं आंसर थर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, अ जंक्शन डायोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड 2500 ओम व्हेन रिवर्स बायस, द करंट इन डायोड फॉर अरेंजमेंट शोन विल बी। अब जो यहां पे हमें बताएगा फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 25 ओम एंड रिवर्स बायस में 2500। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि यहां पे जो बायसिंग है वो किस टाइप बन रही है, फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है। तो आप देखिए यहां पे इसमें पी, ये पी पे हम अप्लाई कर रहे हैं हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड एन पे जीरो वोल्टेज, मींस यहां पे बायसिंग बन रही फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पी पे हाई वोल्टेज है ना सर, हाई वोल्टेज यहां पे करंट अपन फाइंड करते हैं, मींस बायसिंग कौन सी बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस एज ए 25 ओम होगा, 25 ओम में, ये एज ए 25 ओम की तरह बिहेव करेगा, 25 ओम बायस बिहेव करेगा, 25 ओम की रेजिस्टेंस की तरह बिहेव। ओके, अब यहां पे आई इज इक्वल टू वही वी अपॉन आर नेट अपन फाइंड करें, वी अपॉन आर नेट, यहां पे वोल्टेज तो हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 5 वोल्ट एंड नेट रेजिस्टेंस 25 ओम प्लस 10 ओम करिए, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया यहां पे, जो गया 35 में से आ जाएगा रिजल्ट 1/7 एंपियर में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए सर, इन द गिवन सर्किट फॉर एन आइडियल डायोड, आइडियल डायोड दिया है आपने को, ठीक है, द करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी से यहां पर जो ये बैटरी से करंट जो जा रही है वो कितनी है, ये अपने को मेजर करता है, ठीक है। पहले अपन देखेंगे यहां पर डायोड की बायसिंग कैसे हो रही है, बायसिंग चेक करना जरूरी है, बायसिंग चेक करना डायोड के क्वेश्चन में बहुत जरूरी है। ये अपने पास पॉजिटिव है और पॉजिटिव को अपन ने पी से कनेक्ट कर रखा है, डायोड फॉरवर्ड बायस में जाएगा और आइडियल है तो इसको आप यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करके बना सकते हो। तो आपके पास इफेक्टिवली जो सर्किट बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास ये रहा एक 5 ओम और ये रहा हमारे पास दूसरा 5 ओम, इधर हमारे पास क्या हो चुकी है, ये बन गई अपने पास 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। यहाँ पर जो डायोड था वो अपना क्या हो चुका है, फॉरवर्ड बायस हो चुका है, ये अपना 5, ये अपना 5, बैटरी का वोल्टेज अपने को दिया है 10 वोल्ट, यहां से करंट कैलकुलेट करनी है तो वी नेट अपॉन आर नेट, बिल्कुल I equals to क्या हो जाएगा हमारे पास 10 upon R कितना है 5 plus सीरीज में लगे हुए ये दोनों सीरीज में लगे हुए तो 5 plus 5 कितना हो जाएगा ठीक है I equals to 10 upon 10 1 ampere करते ठीक है। यहाँ पे जो आइडियल डायोड बोला गया इसलिए यहाँ पे हमने फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस कितना ले रहे हैं 0 मींस एज अ शॉर्ट सर्किट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या देखा था वहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन था आपको फॉरवर्ड बायस में, जब रेजिस्टेंस गिवन नहीं हो आपको आइडियल डायोड कह दे तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं एज ए शॉर्ट सर्किट मींस 0 ओम लेते हैं, चलते हैं ठीक है 0 ओम पे। तो यहां पे इस क्वेश्चन में 0 ओम लिया है अपन ने। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इफ नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन देयर वुड बी, मैं सब ने यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया पीएन जंक्शन डायोड पे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे, यहां पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन में क्या है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड में हम जानते हैं अंदर जो डिप्लेशन लेयर है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं वो तो प्रेजेंट होता ही है ठीक है, और वो इमोबाइल आयंस जो रहते हैं जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी उनकी वजह से फील्ड क्रिएट होता है जो डिप्लेशन लेयर है तो प्रेजेंट होता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो कैसे रहेगा जैसे अगर अपन देखें तो अभी अपन ने बात करी थी अगर अपने पास इधर P है और इधर N है डिप्लीजन लेयर की अगर अपन बात करें तो ये डिप्लीजन लेयर इधर आपके पास ये सेंटर लाइन में कंसीडर करूं तो इधर आपके पास जो रहेंगे वो नेगेटिव इम्पल्स मोबाइल आयंस रहेंगे
इधर आपके पास पॉजिटिव इमोबाइल आयंस रहेंगे, तो अब आप देखो फील्ड कहां से होगा, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड क्रिएट होगा, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल प्लस टू माइनस, फील्ड जो रहेगा वो एन साइड से पी साइड की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीजन लेयर के अक्रॉस हम लोग को मिलेगा। अब ये स्टेटमेंट एक तो रॉन्ग हो गया यार, स्टेटमेंट हां ये स्टेटमेंट सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप साइड अक्रॉस द जंक्शन, तो हम देख रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एन टू पी, यहां पे एन टू पी बोला गया, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एन से पी की तरफ ही है, ठीक है, इस पे थर्ड पे उल्टा बोला गया, यहां पे तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके तो इस तरह अपन चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, देखो क्वेश्चन 27 में सिंपल पूछा गया है रिवर्स बायस के बारे में, ये चार डायग्राम है, कौन सा इसमें रिवर्स बायस है, अपन देखते हैं रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में पी पर होता है हाई वोल्टेज एंड एन पर लो वोल्टेज, बट रिवर्स बायस में पी पे लगाते हैं लो वोल्टेज एन पे लगाते हैं हाई वोल्टेज, बस वही हमें चेक करना है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहां पी पे -5 वोल्ट है, एन पे -12, मींस यहां पे एन पर नेगेटिव वोल्टेज ज्यादा, हाई नेगेटिव वोल्टेज है, मींस लो वोल्टेज है, एन पे यहां पे लो वोल्टेज हो रहा है, तो ये तो कौन सा बायस होगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ये तो फॉरवर्ड बायस को शो कर रहा है, फॉरवर्ड बायस एफ बी को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, यहां पे पी पे 0 वोल्ट है, एन पर लो वोल्टेज ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस लिख रहा है, ये फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है एफबी को, एफबी को, हां ठीक है। हमसे पूछा है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस पूछा, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, इसमें थर्ड ऑप्शन में इस पी पे यहां पे 0 वोल्ट है, अर्थिंग कर रखी है, एंड एन पर प्लस पे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज आ रहा है, तो अब यहां पे एन पे हाई वोल्टेज है, पी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस, ठीक है। और यहां पे देखो इसमें पी पर पी की तरफ 10 वोल्ट, एन की तरफ 5 वोल्ट है, यहां पे पी पे हाई वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस, तो हमसे रिवर्स बायस पूछा गया था, कौन सा आंसर टिक कर लेंगे इसमें, थर्ड नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इस तरह अपन आएगा फॉरवर्ड बायस में हाई वोल्टेज अप्लाई करना होता है पी पे में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 देखिए सर, avalanche breakdown in PN junction diode is due to, PN संधि में avalanche बंजन जो होता है वो क्यों होता है, देखते हैं, sudden shift to the Fermi level, अचानक Fermi स्तर में पहुंचना, ये कोई reason नहीं है, breakdown जो होता है हमारे पास वो इस वजह से होता है कि आपके पास जो P type के जो minority charge carriers रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो avalanche या जो अपना depletion layer है उसको break करके उधर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि क्या होगा जब आप लोगों ने रिवर्स बायस अप्लाई किया है, अगर अपन इसको अगर देखना चाहें तो क्या रहेगा, ये पी रहेगा, ये अपने पास एन है और रिवर्स अपन ने अप्लाई करके रखा हुआ, ये नेगेटिव और ये अपने पास पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये अपनी डिप्लीशन लेयर बन गई, इसमें अपने पास माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, ये नेगेटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये इधर की तरफ मूव करेंगे। जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इधर की तरफ मूव करेंगे और इधर स्ट्राइक करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आके ये जो आयन है इन आयनों से टकराएंगे या इनसे कोलिजन होगी, इनसे कोलिजन होगी तो यहां पर इन्होंने पहले से एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देंगे और यहां पर आपके पास सडनली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की वजह से मेनली ये एवलांच ब्रेकडाउन होता है। तो चलो वैसे थोड़ा सा आपको और समझाते हैं, जो ब्रेकडाउन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो जेनर ब्रेकडाउन और एक एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। जैसा भी सर ने बताया कि एवलांच ब्रेकडाउन का रीजन क्या है, कोलिजन, मींस यहां पे कोलिजन की वजह से यहां पे मेनी करंट कैरियर्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, हाई स्पीड से हाई काइनेटिक एनर्जी से कोलिजन हुआ है, उसकी वजह से कई सारे कंपाउंड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू कोलिजन हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहां पे एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। जबकि जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे फील्ड अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते आते हैं, इंक्रीज करते आते हैं, अंदर फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होता है, तो उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, मेनी नंबर ऑफ करंट कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे बोलते हैं अपन जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जेनर ब्रेकडाउन का रीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एवलांच के लिए कोलिजन, ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं इसको, ओके। बैटरी का जो प्लस एंड ये नेगेटिव वोल्टेज है, प्लस हाई पोटेंशियल यहाँ पे इस पे अप्लाई हो रहा है एन की तरफ, ये प्लस जो इसकी एन की तरफ है, तो ये रिवर्स बायस पे बिहेव करेगा, इसमें करंट जाएगी नहीं, इसे ऐसे ओपन पाथ पे बिहेव करेगा, करंट जाएगी नहीं इसमें, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इसमें करंट फ्लो होगी एंड इसमें भी करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्किट देखते हैं, मींस यहाँ पे करंट जाएंगे, आप इस ब्रांच को यहाँ से इग्नोर कर सकते, ब्रांच है ही नहीं यहाँ पे, ये ब्रांच है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही अपर ब्रांच, इस अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया
आपको कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में आ रहा है, कौन सा रिवर्स बायस में, उसके अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट बिफोर ब्रेकडाउन इन जेनर डायोड? जेनर डायोड में ब्रेकडाउन से पहले विपरीत संतृप्त धारा किस श्रेणी की होती है? यहाँ पर अगर अपन जेनर डायोड की बात करें तो जेनर डायोड में रिवर्स बायस में जो आपका ग्राफ रहता है वो किस तरह से रहेगा और सडनली आपके पास यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, ये जेनर ब्रेकडाउन की कंडीशन रहेगी। और इस जगह पर आपके पास जो वोल्टेज है वो जेनर वोल्टेज रहेगा। ये जो है इसको अपन बोलते हैं, या जो करंट अगर नियरली कॉन्स्टेंट करंट, ये नियरली कॉन्स्टेंट करंट है और इसको अपन बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट I0। इसका जो ऑर्डर रहता है ये ऑर्डर रहेगा माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में तो डायोड ऑफ की तरह बिहेव करेगा, वेरी स्मॉल करंट जो रहेगी, तो ये आपके पास इसका ऑर्डर जो रहेगा दैट विल बी इन माइक्रो एम्पियर। हां तो फोर्थ आंसर कर सकते हैं, फोर्थ माइक्रो एम्पियर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, अ पीएन फोटोडायोड इज मेड ऑफ अ मटेरियल विद अ बैंड गैप ऑफ 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द मटेरियल इज नियरली। अब बेटा यहां पे हमें बैंड गैप गिवन है, एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप गिवन है, तो हमें उसको ओवरकम करना है, तो हमें बाहर से फोटॉन्स इस पे फॉल करने पड़ेंगे, तो उसे पूछा है कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फाइंड करनी है, तो यहां से देखो आपको एनर्जी गैप गिवन है, एनर्जी गैप, ठीक है, इतने जो एनर्जी गैप है इससे इससे स्लाइटली ग्रेटर एनर्जी हमें आपको फॉल करनी पड़ेगी फोटॉन्स की, मींस ई फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी क्या होनी चाहिए इससे इक्वल या इससे स्लाइटली इक्वल, अगर हम एनर्जी फॉल कर रहे हैं तो आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम कर जाएंगे, ठीक है, तो फोटोन के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं एच न्यू, ठीक है, और उसको चलो इक्वल कर ले, नियरली इक्वल के लिए अपन यहाँ पे एनर्जी गैप कितना गिवन है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे एच क्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पे जैसे एच 6.6 × 10⁻³⁴, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी जूल में चेंज कर दें, ठीक है, इसको अगर अपन जूल में चेंज करेंगे जैसे −34, इसको जूल में चेंज करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, तो यहाँ से हम ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, न्यू भी है इसमें, हाँ यहां ये न्यू है, यहां से न्यू अपन सॉल्व करेंगे, न्यू की वैल्यू यहां से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे डिवाइड करने पे नियरली 4.8 बनता है, यहां पे 5 तो नियरली 4.8 हो जाएगा, 4.8 × 10⁴⁴ हर्ट्ज, 10⁴ हर्ट्ज, तो आप देखते हैं नियरली ये तो नियरली अपन 5 × 10⁴ हर्ट्ज इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह अपन सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, आई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सर, इन द डायग्राम द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड सी, इनपुट जो लगाया है अपन ने वो ए और सी पर अप्लाई किया है, एंड द आउटपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स बी एंड डी, देन द आउटपुट इज, अपन ने क्या किया है ए और सी पर तो इनपुट अप्लाई किया, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा अपने पास इनपुट, इनपुट अपन ए सी अप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है, इधर, और आउटपुट जो अप्लाई किया है, आउटपुट का मतलब लोड रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, अपन बी एंड डी के बीच अप्लाई कर रहे हैं, डी के बीच में आ रहा है। अब जब यहां से मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो आपको टेस्टिंग करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर अगर आप या कोई भी अगर अपन सर्किट टेस्ट करें तो बस मेन अपना जो सर्किट अपन ने ब्रिज रेक्टिफायर की जो स्टडी करी है, अंदर जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से टेस्ट कर रहे हो तो एक डायोड ऑन होना चाहिए और एक डायोड ऑफ होना चाहिए, तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव अप्लाई करता हूं तो ये वाला डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये तो ऑन हो जाएगा, और ये पॉजिटिव जो है वो एन से यहां पर एन से कनेक्टेड है, ये इधर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इधर
ये जो पॉजिटिव साइकिल में है, इधर आपके पास क्या है, नेगेटिव अप्लाई किया, नेगेटिव अप्लाई किया है तो ये P पर नेगेटिव अप्लाई किया तो ये तो हो गया ऑफ, और N पर नेगेटिव अप्लाई करने से ये क्या हो गया ऑन। कहने का मतलब ये दोनों आमने सामने वाले एक साथ ऑन है, ठीक है। अगर अपन इसका प्रोसेस उल्टा करते हैं तो ये वाले दोनों ऑन हो जाएंगे और ये वाले दोनों ऑफ हो जाएंगे। ये कंडीशन बस आपको ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो दोनों में से एक एक बार में ऑन होना चाहिए और उसके सामने वाला इधर वाली साइड से ऑन होना चाहिए। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बनेगा। अभी अपना ये प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सामने वाले दोनों ऑन हो रहे हैं एक बार में और इधर एक बार में एक ही ऑन है, इधर एक बार में एक ही ऑन है, तो ये जो सर्किट है ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट। इस कंडीशन से हमने कंडीशन बताई, इसमें आराम से करंट इससे फ्लो जाएगी, ये तो ऑफ हो गया, ये करंट इस तरह से यहां फ्लो होगी, इस पाथ के थ्रू यहां से आगे मूव करेगी करंट इजीली, बिल्कुल ठीक है। मैं आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट हमें मिलेगा इस सर्किट में, नेगेटिव हाफ साइकिल उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस नेगेटिव वापस सी डायरेक्शन में आएगी करंट, अभी भी सी डायरेक्शन में आएगी, B2B, ठीक है, पर ये फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां से करंट यू फ्लो होगी, इधर आएगी और इधर जाएगी। मतलब यहां पे क्या मतलब है कि इस आर में करंट अभी भी डाउनवर्ड होगी, मींस दोनों केस में चाहे प्लस इधर हो चाहे प्लस उधर हो, दोनों केस में हमें करंट में डालना है, मतलब आर लोड में अप टू डाउन या बी टू डी ही आपकी करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें पिंक कौन आंसर कर जाएगा इसका सर, इसका ये फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, थर्ड अपने ब्रिज रेक्टिफायर करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट का इट इज हैवी डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बिल्कुल इसको डेप डॉपिंग बढ़िया, बहुत अच्छी डॉपिंग, अच्छी खासी रही है इसका। ओके, it emits light only when it is forward bias, ठीक है, और third में क्या है, when it is reverse bias। अब अच्छा आप इसके अंदर यहाँ पे हम LED की बात करें, light emitting diode, इस पे apply करते हैं अपन forward bias, ठीक है, समझा ना, forward bias में light emitting, अपन जो घर पे LED देखते हैं, LED lights जो, तो forward bias होता है तभी वो light emit करता है, reverse bias में वो light emit नहीं करता है। तो वैसे अपन दो ऑप्शन दिए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों से एक ही आपका आंसर होना है, ठीक है, तो इसमें अपन टिक कर सकते हैं थर्ड, ठीक है। केवल पश्च अभिति में प्रकाश उत्सर्जित, हाँ ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग पूछा है, केवल पश्च अभिति उत्सर्जित करता है, गलत है ये, हाँ ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, रिवर्स बायस में नहीं करता, गलत का थोड़ा सा ध्यान रखना, वही ध्यान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ द सर्किट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, इन दोनों सर्किट्स में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी रहेगी, करंट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखें अपन यहां भी चेक करना है, फॉरवर्ड चेक करना है, फॉरवर्ड बायस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो ये दोनों डायोड अपने क्या हो गए, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड हो गए, दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए, तो ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपन यहां पर देखें, ये अपने पास हो जाएगा 4 का और ये भी बन जाएगा हमारे पास दूसरा, ये बन जाएगा 4, और बैटरी अपने पास कितने की लग रही है, बैटरी हमारे पास क्या है, 8 वोल्ट की बैटरी है, 4-4 पैरेलल में, इसका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, या R नेट की बात करूं मैं, तो पैरेलल में होने के बाद क्या हो जाएगा, इनका आधा हो जाएगा, R1 R2 ओपन R1 प्लस R2 2 ओम हो जाएगा, तो यहां से टोटल करंट की अगर मैं बात करूं I, तो पहला सर्किट ये वाला सर्किट जो बन रहा है हमारा, आई जो इसमें रहेगा वो कितना रहेगा, 8/2, कहने का मतलब 4 एम्पीयर। तो फर्स्ट का आंसर अपने पास कितना आना चाहिए, 4 एम्पीयर आना चाहिए। अब सेकंड की बात करते हैं, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव अपने पास इधर, ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस, चलो चल रहा है ये, पर ये पॉजिटिव यहां पर कनेक्टेड है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये वाली, हां, और ये ब्रांच यहां से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब रिवर्स बायस रहेगा तो यहां पर करंट फ्लो नहीं होगी, तो इफेक्टिवली आपके पास डायोड ऑन हो गया, और अब आपके पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम है, तो यहां पर आर नेट कितना हो गया, आर ये ओनली 4 ओम, तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8/4 जो बन जाएगा 2 एम्पीयर, तो 4 और 2 एम्पीयर अपना आंसर, 4 और 2 इसका वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, एंड सप्लाई ऊपर 10 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। तो बच्चा जब भी सप्लाई की वैल्यू जनरल वोल्टेज से हाई होती है, तो हम देखते हैं जनरल वोल्टेज पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो इसका जनरल वोल्टेज उससे ज्यादा नहीं आ सकता कभी, हमेशा उसी इक्वल आया, कब, जब यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज जनरल वोल्टेज से ग्रेटर है, जैसे हम देख रहे हैं 5 वोल्ट उससे ग्रेटर यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस केवल कितना बनेगा, 5 वोल्ट के इक्वल, ठीक है, 5 वोल्ट के इक्वल बनेगा, और ये इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 किलो ओम कनेक्टेड है। आप जानते हो जब भी टू एलिमेंट्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो उन पे क्या सेम होता है बच्चों,
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 5 वोल्ट, ठीक है, तो 5 वोल्ट इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी I, I अगर अपन फाइंड करें तो वैल्यू ऑफ I जो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस यहां पे 1 किलो ओम है, मींस 1000 ओम, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देख ले आंसर क्या जाएगा पे 5 मिली एंपियर, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो मिली मिली एंपियर पे आएगा सेकंड 5 मिली एंपियर, ठीक है, ऐसे अपन आंसर फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, देखिए सर, द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ कॉमन एमिटर सर्किट, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए निविष्य और निर्गत में कितना कलांतर रहता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हमेशा ये याद रखना है कि इनके बीच में जो है फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। कहने का मतलब आप कॉमन इमीटर में अगर इनपुट पर मैं रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, केवल आपको शो करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इनपुट यहाँ पर ऐसा अप्लाई कर रखा है तो कलेक्टर पर जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो आउटपुट इसके अपोजिट फेज में आएगा और एम्पलीफाइड रहेगा, एम्पलीफाइड होगा एंड अपोजिट फेज में भी रहेगा, ठीक है। अगर होता है ये तो भी क्या कॉमन एमिटर सर्किट है, कॉमन बेस सर्किट होता तो कॉमन बेस में सेम फेज में आउटपुट आता, सेम सही कह रहा हूं ना, सेम फेज में आता आउटपुट, वहां पे व्हाट फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, ठीक है, तो हमेशा याद रहे कई क्वेश्चन काम आती है वैल्यूज, फेज डिफरेंस जो है यहां पे अपोजिट होता है, मींस 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है कॉमन एमिटर के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद, ठीक है, तो ऑसिलेटर में जो आता है बच्चों यहां पे जब भी यहां फ्रीक्वेंसी में जो आउटपुट मिलता है, मींस एक तरह से ऑसिलेटर करता क्या है, पहली बात तो ऑसिलेटर बच्चों यहां पे डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और यहां पे इसकी हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से ऑसिलेटर बनाते हैं, तो ट्रांजिस्टर की हेल्प से ऑसिलेटर में कंटिन्यू पॉजिटिव फीडबैक यहां मिलता रहता है ताकि हमें कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आउटपुट में ऑब्टेन हो, ठीक है। जैसे अगर अपन सिंपल ऑसिलेटर की बात करें, सिंपल ऑसिलेटर में एक कैपेसिटर एंड एक इंडक्टर कनेक्टेड होता है, मतलब कुछ इस तरह से, ये अगर सिंपल ऑसिलेटर की बात करें, सिंपल ऑसिलेटर, सिंपल ऑक्सीलेटर में, अब यहाँ पे सिंपल ऑक्सीलेटर में जो बेटा यहाँ पे इसमें जो हमें आउटपुट होता है तो इससे डैम्पिंग आउटपुट मिल रहा होता है, डैम्पिंग आउटपुट मतलब कंटिन्यू वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, बट अगर ट्रांजिस्टर की हेल्प से अगर अपन कोई ऑक्सीलेटर बनाते हैं तो उस केस में जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हुई है वो कंटिन्यू उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलती रहती है, मींस एनर्जी गेन उसको ऑप्टन होता है, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जिससे हमें आउटपुट हमें मिलता है, आउटपुट हमें कॉन्स्टेंट वोल्टेज की फॉर्म मिलता है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज, क्यों, जितना यहाँ पे लॉस हुआ है उसको एवरी साइकिल में उतना एनर्जी लॉस जो हुआ है उसको कंप्लीटली फीडबैक के फॉर्म में मिलता रहेगा और एक कॉन्स्टेंट आउटपुट हमें ऑप्टन होगा, तो इसे हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक के फॉर्म में आप इसको ऑसिलेटर को आउटपुट पॉजिटिव फीडबैक आंसर है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, ठीक है, ऐसा अपन डिसाइड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखिए सर, इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट अल्फा एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा बीटा, अल्फा क्या होता है हमारे पास, अल्फा बनता है IC अपॉन क्या रहता है अपने पास IE, ठीक है, और बीटा क्या रहता है हमारे पास, बीटा रहता है IC अपॉन क्या रहता है IB। अब अपन जानते हैं कि सबसे बड़ी करंट कौन सी रहेगी, इमीटर करंट सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है, और IC थोड़ी सी कम रहेगी, पर इसका ऑर्डर थोड़ा सा मैच रहेगा, थोड़ी सी कम रहेगी, सब अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो आपके पास IB जो रहती है वो कुछ माइक्रो एम्पियर्स में रहेगी, IC जो रहती है वो मिली एम्पियर्स में रहती है और IE भी कुछ मिली एम्पियर्स में रहती है, मतलब अपन लगभग ही मान सकते हैं अगर सबसे ज्यादा ये वाली IE रहेगी, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो समथिंग अगर अपन ऑर्डर की बात करें, सर बता रहे हैं आप लगभग, जैसे अपन लगभग इसको 100 अगर मिली एम्पियर बोल रहे हैं, 100 सपोज करंट 100 एम्पियर है, मतलब वैसे होती मिली एम्पियर में 100 है, इसका वैल्यू 100 है तो इसको नियरली 98 होती है और इसको नियरली 2, तो लगभग ही ऑर्डर होता है इसमें, हम देखते हैं दोनों करंट्स नियरली सेम है, ठीक है, दोनों करंट्स नियरली सेम आ रही है, ठीक है, एंड ये 100 ये 98 एंड 2, तो उसी ऑर्डर पर चेक कर सकते हैं वैल्यूज, लगभग इसी के आसपास होती है वैल्यूज, तो ये थोड़ा सा कम है, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, स्लाइटली लेस देन, ये 98 जैसे सर ने एग्जांपल बताया ये 98 है पर ये 2 ही है, तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, ये 50 या 100 भी हो सकता है, हां सर, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन पिक करें, अल्फा इज लेस देन 1 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, द इनपुट सिग्नल गिवन टू अ सीई एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ 150 इज दिस द करस्पोंडिंग आउटपुट सिग्नल विल बी, तो बच्चों देखो अभी हमने थोड़ी पहले बात की थी किस भी यहां पे सीई एम्पलीफायर, सीई एम्पलीफायर में क्या होता है, हमें जो आउटपुट मिलता है उसमें 180 फेज डिफरेंस होता है,
ठीक है, 180 फेज डिफरेंस, 180 फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा होता है, स्पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा आउटपुट, उसमें यहाँ पे हम प्लस पाई एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, प्लस पाई एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, और हम क्या पढ़ रहे हैं वोल्टेज गेन गिवन है इसमें, वोल्टेज लिखता है 150, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा हमें 150 टाइम्स चार्ज मिलेगा, 150 टाइम्स, ठीक है, तो ये वोल्ट ये कितना है 2, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किसे 150 से, 150 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना हो गया 300 cos 15t plus pi by 3 plus pi extra ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा रिजल्ट 4 pi by 3 अपनी बन जाएगी, इस तरह से क्या बन जाएगी 300, तो ये हो जाएगा 300 cos बनेगा हमारे पास 15t plus pi by 3 plus pi जो रहेगा, तो इनको अगर अपन ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 4, ये जो इक्वेशन बन जाएगी प्लस 4 पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस पाई अगर अपन लिखते हैं ये हमारा रिजल्ट, अपन टिक कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन, ठीक सर बिल्कुल, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है उसके लिए बेस इमिटर एंड कलेक्टर शुड हैव सिमिलर साइज एंड डोपिंग कंसंट्रेशन, कभी भी आपके पास एक हमेशा चीज ट्रांजिस्टर का एक्शन अगर हो रहा है तो बेस की साइज छोटी होनी चाहिए, तभी आपका ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, साइज भी छोटी हो उसमें डोपिंग लेवल भी कम होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, फर्स्ट तो रॉन्ग ही हो गया, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात करी अपन ने, बिल्कुल यही बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, चलो अपन देखें नेक्स्ट, और अच्छा इसमें और भी है, अच्छा और भी एक चेक करना, ओके चेक करते हैं, द बेस इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, बिल्कुल ठीक सर, देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन रहेगी, ट्रांजिस्टर जब इस तरह से रहेगा तो ये रहेगा हमारे पास इमिटर, ये रहेगा बेस, ये रहेगा हमारे पास कलेक्टर, तो ट्रांजिस्टर के लिए अगर मैं पी एंड पी की बात करूं तो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की कंडीशन ही ये होती है कि इमिटर बेस को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस इसको फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, और इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस करना पड़ेगा, इसको रिवर्स बायस करेंगे तो एन को अपन पॉजिटिव से और पी को अपन नेगेटिव से करेंगे, तो इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस, ये भी सही, ये भी सही है, सही करेक्ट है, डी अपन देखें इसमें, डी क्या है, दोनों के दोनों दोनों फॉरवर्ड बायस नहीं, रॉन्ग है, नहीं ये सैचुरेशन बी एंड सी वाली कंडीशन करेक्ट हो जाएगी, बी एंड सी, तो सब अपन एक थर्ड टिक कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्लियर, तो इस तरह अपन समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40, ओके चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द करंट गेन बीटा इज डिफाइंड एज, ठीक है मतलब बीटा के बारे में पूछा है हमें, बीटा ठीक है, अपन बीटा जानते ही है, बीटा क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बताया अपने आईसी अपॉन अगर अपन बात करें तो ये होता है आईबी, तो और बीटा जो डिफाइन होता है ये मेनली इनपुट और आउटपुट ये कॉमन इमीटर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ये कॉमन इमीटर कॉन्फिगरेशन के लिए बीटा डिफाइन होता है, क्योंकि इमीटर तो कॉमन हो गया, ठीक है, और बचा कौन सा, आउटपुट आपका रहेगा कलेक्टर और इनपुट आपका रहेगा बेस पर, तो बीटा जो है वो कॉमन इमीटर के लिए आउटपुट करंट गेन अपॉन इनपुट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट रहेगा, आउटपुट करंट आपकी कलेक्टर, इनपुट करंट आपकी बेस, और इसमें से अपन आउटपुट वोल्टेज को भी कांस्टेंट रखना पड़ता है, जो आउटपुट करंट आईसी है यहाँ पे, आउटपुट जो वोल्टेज है मींस वीसी वोल्टेज, इसको हम रखते हैं कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज को हमें कांस्टेंट रखते हुए ये फाइंड करना पड़ता है डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईसी, एसी स्टेट्स में एसी कंडीशंस में, एसी वाली कंडीशन अगर अपन चेक करें तो यहां पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करेंगे, आज चेक करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज ऑफ इमीटर करंट, नहीं इमीटर जो बेस होता है, सेकंड द रेशियो ऑफ कलेक्टर चेंज इन इमीटर करंट टू चेंज इन बेस करंट, नहीं फॉर कांस्टेंट इमीटर वोल्टेज, नहीं इमीटर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट क्या कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है तो थर्ड भी सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रेशियो चेंज इन कलेक्टर करंट टू बेस करंट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज, बिल्कुल सी ये आप बताइए इसमें क्या जाएगा, थर्ड आंसर, थर्ड आंसर, ठीक है तो ऐसे अपन समझ सकते हैं हम इसको, क्लियर सिंपल, कलेक्टर बेस का जो रेशियो रहेगा वो भी आपको रिपीट हो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो वेव्स एट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, निम्नलिखित में से कौन सा नियत आयाम की रेडियो तरंगे उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो रेडियो वेव्स क्या होती है, अपने पास नियत आयाम की अपन ने अभी बात किया, इस प्रकार की जो नियत आयाम की जो तरंगे होती है ये रेडियो वेव्स है, ठीक है तो अब इनमें से अपने को देखना है कि किसका आउटपुट ऐसा आता है, अपन देखते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का आउटपुट तो इस पर डिपेंड करता है कि आपने इनपुट में क्या लगाया है, सही ठीक है, इनपुट में तुम लोगों ने कुछ और लगा रखा है तो आउटपुट फिर ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का आउटपुट अपन जानते हैं कि हाफ वेव रहेगा तो ऐसे सिंगल सिंगल वेव, सिंगल वेव आएगी, ठीक है, और फुल वेव रहेगा तो हमारे पास इस तरह से आउटपुट आएगा,
तो रेक्टिफायर का आउटपुट तो इस तरह से आता, आपके पास वेव साइन वेव नहीं बनती है। अभी जैसे सर ने थोड़ी देर पहले ऑसिलेटर्स के लिए बताया था कि ऑसिलेटर की जो आउटपुट वेवफॉर्म्स रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड साइन वेव्स रहती है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑसिलेटर रहेगा। स्विच जो है, स्विच जो होता है वो ऑन ऑफ करने के काम में आता है, कहने का मतलब जब ऑन होगा तब आउटपुट आएगा, जब ऑफ होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो स्विच का तो आउटपुट कभी भी इस तरह से साइन वेव फॉर्म में आ नहीं सकता, हमारे पास ऑसिलेटर का आउटपुट ही कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनपी ट्रांजिस्टर आर प्रेफर्ड टू एनपीएन ट्रांजिस्टर बिकॉज़ दे, अच्छा यहां पे हम देखो यहां पे पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहां पे कुछ में पीएनपी ट्रांजिस्टर नाम है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब एनपीएन जरा बेस्ट है। क्यों जरा बेस्ट, क्योंकि एक्चुअल में एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मोबाइल कैरियर्स अपन यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल कैरियर्स कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, ठीक है, मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी एंड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होल्स के रेस्पेक्ट में वेरी हाई होती है, होल्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। मींस दोनों पे एक एनपीएन और एक पीएनपी यूज करें, दोनों पे हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो हमें ज्यादा करंट किसके अंदर मिलेगी, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी के रेस्पेक्ट में ज्यादा बेस्ट होता है। क्यों, तो यहाँ पे मोबाइल कैरियर्स कौन है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, किसमें, एनपीएन में। तो इसलिए अपन यहाँ पे देखते हैं इसका रीजन क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हैव हाई मोबिलिटी देन होल्स, ठीक है, तो इसका अपन ये टिक कर सकते हैं फोर्थ आंसर को, ठीक है। आई वाज सेम, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ठीक है सर, एन एम्पलीफायर हैज द वोल्टेज गेन एवी 1000, ठीक है, आपको वोल्टेज गेन गिवन है एंड द वोल्टेज गेन इन डीबी, डेसिबल में फाइंड करना, डीबी डेसिबल, डीबी में अगर अपन बात करें डीबी में, तो डीबी में अगर अपन पावर की बात करते हैं, पावर गेन की बात करते हैं, तो पावर गेन बनता है हमारे पास 10 log 10, ये होता है पी आउट अपॉन पी इन, और पी आउट अपॉन पी इन को अपन पावर गेन बोलते हैं, यानी कि डीबी में पावर गेन अगर बोले तो ये बन जाएगा आपके पास पावर गेन इन डीबी, या इसको अपन पावर गेन इन डीबी बोल सकता हूं मैं, ये हो जाएगा आपके पास 10 log 10, ये बन जाएगा एपी, दिस इज पावर गेन। पर आपको यहां पर वोल्टेज की बने, और वोल्टेज के लिए अगर अपन जानते हैं तो वोल्टेज पावर और वोल्टेज में रिलेशन अपन जानते हैं, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो टर्म बनेगी अगर अपन वोल्टेज गेन इन डीबी की बात करें, तो वोल्टेज गेन इन डीबी की बात करें, तो इसका जो इक्वेशन बनता है वो बनेगा 20 log 10 AV, पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो इस जगह पर भी V स्क्वायर आएगा और इस जगह पर भी आपके पास क्या आएगा, V स्क्वायर आएगा। तो v square का एक 2 यहां पर बनेगा जो log की property से आगे transfer होगा, तो यहां पर 20 बन जाएगा। तो अगर अपन इसको solve करें तो 20 ये बन जाएगा अपना log 10, av की value कितना है अपने पास 1000, ठीक है, 1000 10 log 10 1000 है, तो 1000 के 10 raised to power 3 है, तो इस पूरे की value 3 बन जाएगी, तो ये बनेगा 20 into अपने पास कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 60 d, ठीक है, ऐसा अपन solve कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 45, the logic gate giving output 1 for input 1 and 0 are, अब यहां पे हमसे कह रहा है कि हमें इनपुट हमें क्या गिवन है 0 एंड 1 एंड गिवन है, आउटपुट हमें 1 चाहिए, तो यहां पे एंड गेट और गेट नॉर गेट नैंड गेट इनकी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। देखो यहां पे जो एंड गेट में होता है जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तभी आउटपुट हमें 1 मिलता है, अदरवाइज हमें 0 मिल रहा होता है, किसमें, एंड गेट में, दोनों इनपुट 1 होने पर ही आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा कि इनपुट 1 एंड 0 के लिए आउटपुट 1, एंड गेट तो दिखता नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया एंड गेट की वजह से, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो थर्ड भी रॉन्ग होगा, किसमें एंड गेट आ रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करें और एंड नॉर गेट को, और गेट में जाता हूँ, और गेट में दोनों इनपुट 0-0 होते हैं तो ही आउटपुट 0 आता है, अदरवाइज 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अदरवाइज वाली कंडीशन है, एक 1 है और एक 0 है, आउटपुट 1 बिल्कुल और गेट से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब और गेट के बाद अपन देखेंगे नॉर गेट, नॉर गेट में और गेट के जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है, अभी आपको पता है और गेट में क्या बच्चों, दोनों इनपुट 0 है तो ही आउटपुट 0 आ रहा है, अदरवाइज 1, नॉर गेट में क्या होगा उल्टा, मतलब दोनों इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1, अदरवाइज क्या आएगा 0। मैं आप इसके अंदर ये नॉर गेट वाली कंडीशन भी रॉन्ग हुई, मींस और गेट तो करेक्ट है बट नॉर गेट वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है यहां पे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए। अब अच्छा फोर्थ ऑप्शन यही आंसर होना चाहिए, फिर भी चेक कर लें, देखिए नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट के जस्ट अपोजिट, अभी आपने यहाँ पे एंड गेट की प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो नहीं हो रही थी, उसके जस्ट अपोजिट अपन देखें तो एंड गेट की प्रॉपर्टी फॉलो होगी सही, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नैंड गेट एंड और गेट, ठीक है, तो फोर्थ आंसर अपन टिक कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन 46 द आउटपुट एक्स ऑफ लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर विल बी। अब हमें यहाँ पे इसमें आउटपुट बताना है, आउटपुट किस फॉर्म में होगा, वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है। ठीक है, तो आप देखिए ये भी एक नैंड गेट है, ये भी एक नैंड गेट है। ओके, तो जब नैंड गेट के अपन दोनों एंड्स को अपन इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट कर देने पे ये क्या बन जाता है, नॉट गेट। नॉट गेट ये एक नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह। सही कह रहा हूं सर? ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एक नैंड गेट है, यहाँ पे नैंड गेट के आगे नॉट गेट लगाएंगे, नैंड के आगे नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वापस उल्टा एंड बन जाएगा, एंड बन जाएगा। ठीक है, एंड गेट, तो फाइनली हमें एक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स मिलेगा ए डॉट बी। तो ये समझ लो यहाँ पे जैसे इस जगह क्या ये नैंड गेट है, तो ए डॉट बी बार ये आ रहा है। अब इसके आगे नॉट गेट लगाएंगे तो उस पे बार के ऊपर एक और बार लग जाएगी। ठीक है, तो डबल बार्स आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जैसे आप जानते हैं एक बार अप्लाई करते हैं, किसी को उल्टा करते हैं, किसी को दो बार उल्टा करिए आप, वापस सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, वापस सीधा हो जाएगा, तो इसमें मतलब क्या मिलेगा हमें आउटपुट ए डॉट बी। ठीक है, पूरा सर्किट एज एंड गेट बिहेव कर रहा है, तो रिजल्ट आ जाएगा इसका फोर्थ। ओके, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, एक गेट के लिए सत्य सारणी निम्न प्रकार है। ट्रुथ टेबल आपको यहाँ पर दी गई है, ये आपके पास P है जो पहला इनपुट है, और ये आपके पास Q है ये दूसरा इनपुट है, और ये अपना रिजल्टेंट R जो है रिजल्ट मिल रहा है। तो ये कौन सा गेट हमारे पास बनेगा? देखें 1 1, हम लोग जानते हैं 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आप दोनों को, दोनों स्टेट में क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। देखें 1 0 को आप उठा के देखें तो यहां पर देखो 1 को 0 में मैं अगर ऐड करता तो मेरे को 1 मिलता, बट इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है और मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है। आगे चलते हैं, 0 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 मिल रहा है, 0 0 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन है, यानी कि आपका जो आउटपुट या आर को अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं आर को लिखना चाहूं तो आर आपका जो रहेगा वो अभी जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग P डॉट Q बन रहा है, और ये जो होता है वो आपका क्या रहेगा, एंड गेट। ठीक है, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे इसमें, फोर्थ आंसर है हमारा, एंड गेट रहेगा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 व्हिच रिप्रेजेंट नैंड गेट। ठीक है, इनमें से कौन सा नैंड गेट है ये अपन को शो करना है। नैंड गेट का तो जो एंड गेट का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब एंड गेट के आगे अगर अपन एक बबल अप्लाई करते हैं, इसमें से एक नॉट गेट अप्लाई करते हैं तो एंड गेट बन जाए, नैंड गेट बन जाता है। तो देखो ये एक एंड गेट है, फर्स्ट ऑप्शन में इसके आगे अपन नॉट गेट लगा दिया, वो क्या लगा दिया, नॉट गेट। ठीक है, तो ये तो एंड है ही सही, एंड गेट। ठीक है, उसके आगे अपन नॉट गेट अप्लाई कर दिया तो एंड प्लस नॉट से क्या बन जाएगा, ये नैंड गेट बन जाएगा, नैंड गेट। ठीक है, तो उसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट नैंड गेट पूछा आपसे तो अपन डिफाइन कर लेंगे, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, गिवन ट्रुथ टेबल इज ऑफ, जो आपको ये ट्रुथ टेबल गिवन है ये किसकी है, और जो ए उसका जस्ट उल्टा मिल रहा है आउटपुट, ये तो इनपुट है 0 तो आउटपुट मिल रहा है 1 1 है तो 0 मतलब जस्ट उल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो उल्टा किसके अंदर मिलता है, नॉट गेट। ठीक है, तो कौन सा टिक कर सकते हैं इसके अंदर, नॉट गेट आएगा, नॉट गेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसा मैं समझ सकते हैं। अब देखिए टॉपिक काफी सिंपल है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गेट से डेफिनेटली बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता जाता है हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट में से डेफिनेटली क्वेश्चन तो आया रहेगा, ध्यान रखें। लगभग 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में, 3 बातें आते हैं, एक और एक केवल एक लेक्चर का टॉपिक होता है, एंड अपन गेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इस पे। देखिए सर, व्हिच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। मतलब रिजल्टेंट पूछा आपसे, इनका रिजल्टेंट पूछा है। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये ए है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, यानी कि उल्टा, यानी कि इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। सही है, ए बार मिलेगा। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी बार मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है ये नॉर गेट बन, नॉर गेट है। ठीक है, तो नॉर गेट जो फॉलो करता है वो इक्वेशन फॉलो करता है, दोनों इनपुट को ऐड करके उनका होल बार लगेगा। ठीक है, तो नॉट का दोनों का एडिशन होल बार, तो अपन अगर यहाँ पर वाई का एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो NOR के अकॉर्डिंग अब अपना आउटपुट जाएगा, पहला आउटपुट क्या है, A बार प्लस अपने पास क्या बनेगा, B बार, ये तो और अब इनका इनपुट्स हो गए ये दोनों, तो अब इनका क्या हो जाएगा, होल बार। ये हमारे पास Y का एक्सप्रेशन बनता है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास होल बार आ रहा हो तो होल बार को ब्रेक कर दो, अंदर आपके पास क्या हो, प्लस हो, उसको मल्टीप्लीकेशन में बदल दो। सिंपल चेंज कर देंगे, तो बार को ब्रेक
करेंगे और सिंबल चेंज करेंगे। तो ए बार इस बार को ब्रेक किया तो एक इसमें बार, इस प्लस को अपन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बी बार बार। अब ये डबल बार है, अभी अपन ने बात करी डबल बार तो क्या हो जाएगा वहां पे सीधा हो जाएगा, बार बार कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर वाई जो बन जाएगा अपने पास इधर बनेगा ए डॉट बी। तो कौन सा गेट हो जाएगा बेटा, एंड गेट हो गया, एंड गेट एक्सप्रेशन हो गया अपना, हां थर्ड आंसर हो गया। ठीक है चलो इसको देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर लॉजिक गेट्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे ये सभी गेट्स हैं, इन गेट्स के बारे में पूछा है। फर्स्ट गेट तो सिंपल अपन देख रहे हैं कौन सा गेट है, नैंड गेट। ठीक है फर्स्ट नैंड गेट है, कोई एंड के आगे बोल लग रहा है नैंड गेट नहीं। सेकंड हो गया नॉट गेट, ठीक है थर्ड एंड गेट एंड फोर्थ इज ओर गेट। ठीक है तो यहाँ सिंपल पूछा पहले ओर गेट कौन सा है, इसमें ओर गेट कौन सा है यहाँ पे, ये फोर वाला। ठीक है फिर नॉट गेट सेकंड वाला, पहले फोर आएगा फिर सेकंड आएगा, ठीक है फिर नैंड गेट यहाँ फर्स्ट है थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यस ओके। चलो अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो इज फॉर व्हिच गेट। अब ये ट्रुथ टेबल अब गिवन है, ठीक है ट्रुथ टेबल में देखो यहां पे दोनों जीरो हैं, वन आ रहा है रिजल्ट। ठीक है यहां 01 से 1, 10 से 1, 11 से 0 ये रिजल्ट मिल रहा है। मींस यहां पे आप देखिए दोनों इनपुट सेम है, यहां पे 0 रिजल्ट 1 है, यहां पे दोनों इनपुट सेम है रिजल्ट 0। जब दोनों इनपुट यहां पे सेम है, दोनों इनपुट सेम उसके लिए रिजल्ट यहाँ पे 00 से 1 और 11 से यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो इसमें तीन बार यहाँ पे 1 है, तीन बार 1 है और एक बार 0 है। तो 1 × 1 करने पे 1 होता है लेकिन उसका उल्टा मिलता है 0, मतलब एंड गेट का जस्ट उल्टा मिल रहा है यहाँ पे। एंड गेट में क्या होता है दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो एंड गेट को शो करता है, बट यहाँ पे उसका उल्टा आ रहा है। देखिए 00 मल्टीप्लाई करें 0 आता है, बट यहाँ कितना आ रहा है 1। 01 को मल्टीप्लाई करें कितना आता है 0, बट यहाँ आ रहा है 1। 10 मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, बट यहाँ लिखा है 1। 1 × 1 = 0 सॉरी 1 और यहाँ लिखा है 0, मतलब एंड गेट का जस्ट अपोजिट आपको मिल रहा है। ठीक है हमारा आपका रिजल्ट एंड गेट में, एंड गेट में आएगा। ठीक है तो इस तरह अपन टिक कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन को। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ऑर गेट। ऑर गेट क्या करता है, एडिशन वाला एक्सप्रेशन है हमारा, सिंपल हमारे पास इसमें तो कुछ भी नहीं है, y इक्वल्स टू क्या रहेगा a less b। ठीक है तो कौन सा फर्स्ट ये सेकंड थर्ड आंसर, थर्ड आंसर इस तरह अपन टिक कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखो यहां पे द आउटपुट y व्हेन ऑल थ्री इनपुट्स आर फर्स्ट हाई एंड देन लो विल रिप्रेजेंट b। मतलब एक बार आपसे कह रहा है तीनों को हमें क्या लेना है, हाई लेना है, मतलब 1 वोल्ट लेना है। ठीक है एक बार यहां भी 1 लेना है, यहां भी 1, यहां भी 1, तीनों जगह 1 है। क्लियर तो पहले बता यहां पे कौन सा गेट है, ये एंड गेट। एंड गेट क्या करता है दोनों को मल्टीप्लाई करता है, डॉट करता है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे क्या मिला 1। ठीक है और ये सेकंड थर्ड इनपुट है 1, यहां पे इधर 1 पहुंच रहा है ये 1। अब ये एक नेट गेट है, नेट गेट क्या करेगा फिर इनको मल्टीप्लाई करेगा फिर इसको उल्टा कर देगा। ठीक है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 कितना है 1, इसको उल्टा कर दो क्या जाएगा 0। ठीक है तो फर्स्ट वाले केस में तो क्या बनेगा 0। अब नेक्स्ट वाले केस में देखें, अब कह रहा है कि तीनों इनपुट सब क्या कर लेना है, हमको लो लेना है, लो लेना। ठीक है अब क्या यहां पे 0 लेना है, यहां भी 0, यहां भी 0, तीनों 0 लेने हैं। तो पहले आप देखें 0 0 यहां पे इसमें आएंगे मल्टीप्लाई करें कितना बनता है 0, यहां पे कितना आएगा इस जगह तो 0। ठीक है अब यहां पे इस जगह 0 है तो ये 0 यहां पहुंच रहा है इस जगह। अब यहां पे 0 और ये 0 दोनों 0 है, इनको हमें नैंड गेट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके उल्टा करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0 * 0 0 उसका उल्टा करें 1, तो आना चाहिए रिजल्ट 0, 1। अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार बदलती है। तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो आपके पास जो अर्धचालक रहेगा उसका जो प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ ग्राफ स्टेट लाइन में टेम्परेचर फॉर्म होता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल मटेरियल्स हैं तो इनके लिए स्ट्रेट लाइन आइडियल ग्राफ हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो आपके पास ऐसा ग्राफ देखो जिसमें एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं और दूसरा डिक्रीमेंट, हाँ डिक्रीमेंट वाला, कि टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो आपके पास रो क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो। इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रो इंक्रीज हो रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे पास रो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 यहां पे है डिफरेंस वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज आर अप्लाइड अक्रॉस पी एन जंक्शन एंड द करंट आर मेजर्ड फॉर ईच वैल्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेंड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट।
मैं सेक्टर से कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात कर रहा हूँ आपसे डायोड के लिए, ठीक है। अपन जानते हैं फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट जो है इस टाइप से एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, एंड रिवर्स बायस में करंट पहले यहाँ पे एक रिवर्स सैचुरेशन करंट की फॉर्म में वेरी स्मॉल होती है, और इससे ग्राफ होता है ये पहले वेरी स्मॉल करंट, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन जाता है, ये ग्राफ मिलता है। तो उसमें करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड, ठीक है। तो थर्ड आंसर इस पर अपन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद एन एसी इनपुट इज शोन, ठीक है। इस तरह इनपुट वन है, हमसे यहां पे कह रहा आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आरएल। बेटा देखो यहां पे एसी इनपुट है, यहां पे पहले फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हमें क्या मिलेगा बच्चों? इस तरह से अपन जानते हैं, इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर, और फिर आगे ये सी लग रहा है, मतलब एक फिल्टर सर्किट है, सी फिल्टर, ठीक। फिल्टर सर्किट क्या करेगा बच्चों? इसको आगे एक नियरली कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आउटपुट जो मिलेगा हमें कुछ इस तरह मिलेगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट हमें लगभग इस तरह मिलेगा, नियरली कांस्टेंट डीसी, और इस तरह से तो बेस्ट सर्किट कौन सा होगा? आंसर थर्ड आ जाएगा इसके, ठीक है। थर्ड आंसर यहां पे टिक कर सकते हैं, थर्ड आंसर को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट आई वी कैरेक्टरिस्टिक जनरेट आउट व्हिच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज मोस्ट रिलेवेंट टू इट्स ऑपरेशन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब वोल्टेज रेगुलेटर में कब वर्क करता है बच्चों? जेनर डायोड अपन देखते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर से बिहेव करता है, ठीक है। और वो कब वर्क करता है? जहां पे ब्रेकडाउन वाली कंडीशन होती है, ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकडाउन वर्क। यहां पे कौन सी कंडीशन है? ब्रेकडाउन के बाद ये यहां से ये सिचुएशन जा रही है, यहां पे एज ए जेनर डायोड के वर्क करेगा मींस वोल्टेज रेगुलेटर। कौन सा है? वोल्टेज, ठीक है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद रेगुलेटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा है कौन सा पार्ट एज ए स्विच वर्क करता है बच्चों? देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, ये ग्राफ पर देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में देखा है। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये एज ए ऑफ स्विच की वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है एक्टिव रीजन की वर्क करता है, एक्टिव रीजन, ठीक है। एंड जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये बिहेव करता है एज ए ऑन स्विच, एज ए ऑन स्विच। मतलब यहाँ पे सेकंड पार्ट में इसका यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर, एज ए एम्पलीफायर वर्क करते हैं इसका एम्पलीफायर। उसका आंसर पूछा है स्विच के बारे में पूछा है, तो स्विच में कौन सा आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, ऑफ और ऑन, ऑफ और ऑन कंडीशन। स्विच कौन सा टिक करेंगे इसके अंदर? सेकंड, ठीक है, सेकंड पे आ जाएगा इसका आंसर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन, ठीक है। देखिए सर, द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन ऑफ 50, आपको एवी की वैल्यू दे रखी है कितना? 50 दे रखा है। द इनपुट इंपेडेंस इज 100 ohm and the output impedance is 200 ohm, ठीक है। तो the power gain of the circuit, अब power gain की बात करें अगर अपन, AP जो रहता है वो AP इस तरह से बनता है, हमारे पास क्या रहता है? बीटा स्क्वायर, ये बनता है R out upon R in, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि AP जो रहेगा वो रहेगा बीटा टाइम्स बीटा, बीटा टाइम्स बीटा R out upon क्या रहेगा? R in, ठीक है। तो ये बीटा जो हो चुका है ये आपका करंट गेन हो चुका है, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेन हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन पावर गेन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ये जो टर्म बन रही है ये वोल्टेज गेन बनेगी, है ना सर? अपन तो वैसे भी कर सकते हैं, वो पावर सोर्स जब आता है ना अपने करंट इनवर्स को था, वो अपन आप ऐसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पावर गेन इज इक्वल टू, अपन जानते हैं बच्चों एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R, यहां से अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं, वही सही सही कर रहे हैं सर, यहां से अपन कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, ठीक है। पावर गेन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यहां पे वी स्क्वायर मींस एवी स्क्वायर अपॉन एआर, मींस वोल्टेज गेन स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन, इस तरह कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वोल्टेज गेन तो अपन को यहां पे गिवन, वोल्टेज गेन के लिए आपको गिवन है, आपको यहां पे देखो वोल्टेज गेन 50 है, तो ऊपर तो 50 स्क्वायर हो जाएगा, 50 स्क्वायर डिवाइड बाय एआर, रेजिस्टेंस गेन जो क्या होता है? आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना गिवन अपन को यहां पे? 200, एंड इनपुट रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको यहां पे? 100, ठीक है। तो इससे अपन फाइंड करेंगे, तो ऊपर तो होता है 2500 डिवाइड बाय 2 करिए तो कितना बन जाए? 1250, सही है सर? ऐसे भी अपन कर सकते हैं, 1250 बन जाएगा, और ये भी सही सही मेथड था, इसको आगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते आएंगे, इसमें वैल्यूज फॉर्म में जाएंगे सर्किट की, सर्किट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये फार्मूला आप लोग पावर गेन के लिए याद रख सकते हैं, बीटा एआई इनटू एवी, और कॉमन इमिटर के लिए एआई की वैल्यू कितनी रहती है? बीटा रहता है, और ये बीटा आर आउट अपॉन आर इन उसका वोल्टेज गेन, ठीक है। तो उसमें कौन सा? फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ आंसर करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए सर इतना ही बोलते हैं क्वेश्चंस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अपन टॉपिक डिस्कस किया बच्चों आज, ठीक है। चलो आज के लिए अपना कार्यक्रम सफल रहा आज, इसलिए अपन इसके लिए बहुत है, चलो कल मिलते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं। ओके, जय सी एल सी, जय सी एल सी।